अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आप सबकी होस्ट, आप सबकी ट्यूटर शीजा इखलाक। आज हम वेब डिजाइनिंग का लेक्चर नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। तो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। जी गाइस, तो हमारा आज का जो काम है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का प्रीव्यू दिखाती हूँ कि वो क्या था। हमने जो लास्ट टाइम काम किया था वो कुछ हेडिंग्स टैग पे काम किया था, उसके अलावा हमने कुछ मजीद टैग्स देखे थे टेक्स्ट के ऊपर, जो कि टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट भी करके देखे थे, और आज हम उससे फर्दर काम स्टार्ट करते हैं। फर्दर काम में हम लिखते हैं करते हैं यूएल टैग। यूएल टैग क्या है? यूएल टैग हमारा ऑर्डर से मुराद है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का हमने टैग ओपन किया, इसका टैग हम करते हैं क्लोज। लिस्ट हम अपनी वेब डिजाइनिंग में अपनी वेबसाइट में कुछ लिस्टिंग शो करवाते हैं, चाहे वो हम अपने प्रोडक्ट्स की शो करवा दें, कुछ कंटेंट्स की शो करवा दें, तो उनको हम यूएल टैग के जरिए शो करवाते हैं। तो यूएल टैग ओपन किया, यूएल टैग क्लोज किया, इसके अंदर हम लिखते हैं लिस्ट टैग ओपन, लिस्ट टैग क्लोज। और इस लिस्ट के अंदर वी कैन राइट एनीथिंग, लाइक मैं लिखती हूँ पाकिस्तान, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट। अब मैं इसी एलआई को कॉपी करती हूँ हमारी फर्स्ट लिस्ट, लिस्ट टैग नॉट लिस्ट, पेस्ट करती हूँ। पहले मैं पाकिस्तान लिखा, यहाँ पर लिख देती हूँ लंदन, और नीचे लिख देती हूँ हमारा, इसके बाद जी तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिखती हूँ हमारे लंदन के साथ लिख देती हूँ इंडिया, इंडिया सॉरी जी। अब मैं इसको करती हूँ सेव कि हमारी अनऑर्डर लिस्ट हमें शो हो रही है या नहीं। हम इसको अपने ब्राउजर में देखते हैं कि क्या शो हुआ। सॉरी, शायद मैंने अभी सेव नहीं किया, हमारी डबल डबल फाइल्स ओपन है। मैं एक फाइल को क्लोज करती हूँ और इसको अगेन सेव करती हूँ। सेव करके हमारे ब्राउजर में जंप करते हैं, इसको सेव जी। तो ये देखें हमारी अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो गई है, हमें शो हो गई है, जिसमें हमें ये कुछ बुलेट्स शो हो रहे हैं। बुलेट्स से मुराद कि हमारी लिस्ट सक्सेसफुली डन। अब हम देखते हैं कुछ न्यू काम, इसी को मैं करूँगी कॉपी। सॉरी, कॉपी करती हूँ और यहीं पर मैं नेक्स्ट करती हूँ पेस्ट। इसी अनऑर्डर लिस्ट को हम बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का क्या इफेक्ट होगा ये आपको अभी शो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अनऑर्डर लिस्ट को पहले सेव करती हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। उस एट्रीब्यूट का नाम है जी टाइप, टी वाई पी टाइप। टाइप हम लिखते हैं कि हम अपनी अनऑर्डर लिस्ट किस टाइप में शो करवाना चाहते हैं। इसमें एक सर्कल होता है, सर्कल आपको शो करवाती हूँ, देखिए जी। ये देखिए तो हमारे सर्कल शो हो गए हैं। उसके बाद मैं शो करवाती हूँ जी आपको सर्कल के बाद, हम यहाँ पर फिलहाल हम इसको करते हैं स्किप, शो होता जाए हमारा क्या क्या रहा है। इससे सर्कल के बाद हम लिखते हैं जी स्क्वायर, सॉरी, सेव करती हूँ और हमारे ब्राउजर को करती हूँ रिफ्रेश। ये तो देखें हमारे जो अनऑर्डर लिस्ट है वो एज अ स्क्वायर बुलेट्स में शो हो रही है। इसका एक और एट्रीब्यूट है टाइप का, जिसको हम सॉरी कहते हैं डिस्क, जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट शो हो रहा था वो डिस्क था। सर्कल पे सर्कल को जब हम फिल कर दें तो वो डिस्क बन जाती है जी। तो ये थी हमारी कंप्लीट अनऑर्डर लिस्ट। अब हम देखते हैं कुछ ऑर्डर लिस्ट को। ऑर्डर लिस्ट की भी एक टाइप होती है, ऑर्डर लिस्ट हमने सेव किया था, अब दिखाती हूँ। ये एक ऑर्डर में शो हो रहा है काउंटिंग में, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हमारे मजीद एट्रीब्यूट्स भी होंगे तो ये मजीद काउंटिंग ऑटोमेटिकली शो होती जाएगी, 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर हम नहीं चाहते कि हमारी काउंटिंग नंबरिंग में शो हो तो हम इसको कर देंगे भाई चेंज।
चेंज कैसे करेंगे, मैं लिखती हूँ टाइप, इसका भी सेम एट्रीब्यूट है, बिल्कुल टाइप वही, कोई मुश्किल नहीं। टाइप एट्रीब्यूट में जाकर मैं लिखती हूँ जी इसकी टाइप मैं चाहती हूँ ए बी सी से स्टार्ट हो, मैं नहीं चाहती कि मुझे नंबरिंग चाहिए। मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश और देखें हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो ए बी सी अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो रही है। ये था कुछ इसका। और नेक्स्ट एक और इसका एट्रीब्यूट है वो है जी रोमन, हम अपनी लिस्ट को रोमन काउंटिंग में भी शो करवाते हैं, तो मैंने इसको लिखा रोमन अदाद में कैपिटल आई में, नॉट स्मॉल आई, कैपिटल आई में। मैं इसको सेव करती हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारी जो लिस्ट है वो रोमन काउंटिंग में स्टार्ट हो गई। हम कुछ मजीद काम भी करते हैं, मजीद काम क्या होगा कि हमने अब करना है जी, पहले हमने इमेज कॉल की थी बैकग्राउंड में, हमारा ये काम मैं करती हूँ एंटर कर देते हैं थोड़ा जी। पहले हमने इमेज कॉल की थी बैकग्राउंड में, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इमेज हमारे पेज के ऊपर शो हो, तो उसके लिए एक हमारा टैग होता है जिसको आई एम जी मीन्स उससे इमेज टैग कहते हैं, साथ लिखते हैं एस आर सी मीन्स सोर्स इज इक्वल टू डबल कोट्स में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर दिया था पाथ, बिल्कुल वैसे ही हम इसमें देंगे इमेज टैग। ये एक सिंगल टैग है, ये पेयर टैग नहीं है। हमारा ओ एल टैग, यू एल टैग, एल आई टैग, हमने ऊपर जो भी टैग्स पढ़े वो हमारे पेयर टैग थे, मतलब वो ओपन भी होते थे और क्लोज भी होते थे। लेकिन जो इमेज टैग है ये एक सिंगल टैग है, इसमें हम सिंगल में ही अपना जो भी शो करवाना होता है, इमेज शो करवानी हो हम शो करवाते हैं। तो हम एस आर सी में जाके एग्जैक्टली वही हमारा मेथड है, वही तरीका है कि मैंने क्या किया हुआ है जी, IMG का वही हमारा फोल्डर है, प्रीवियस IMG के फोल्डर में मैं जाके लिखूंगी हमारी इमेज का क्या नाम था वन जी। तो मैं लिखूंगी सोर्स में img/1.jpg, मैं इसको करती हूँ सेव और जाते हैं अपने ब्राउजर में, ब्राउजर में जाकर सॉरी इसको करते हैं जी रिफ्रेश। ओहो इमेज शो तो नहीं हुई, तो देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। इसको हम करते हैं शो वन डॉट, मे बी इसका जो था हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज की क्या है, जेपीजी है या पीएनजी है। हम पिक पे राइट क्लिक करते हैं अपनी इमेज पे, जी हाँ देखें पीएनजी है। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि ये मिस्टेक नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी कि हम अगर टाइप गलत देंगे तो हमारी इमेज शो नहीं होगी, रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है। मैंने लिख दिया है जी जेपीजी, लेकिन हमारी जो इमेज है वो तो है पीएनजी में, तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ पीएनजी में। अब सेव करते हैं, देखते हैं कि हमारी इमेज शो हो रही है या नहीं। एग्जैक्टली अब हमारी इमेज हो गई शो, और ये बहुत बड़ी है, हम इसका साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे हाइट टू हंड्रेड पिक्सल और विड्थ लिखते हैं जी 200 पिक्सल और इसका अलाइन करती हूँ लेफ्ट। सेव करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं कि हमारी इमेज पे कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं। एग्जैक्टली ये देखें हमारी इमेज लेफ्ट साइड पे 200 पिक्सल विड्थ और 200 पिक्सल ही हाइट के साथ शो हो गई है। और अगर हम इसके साथ कुछ भी टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं तो हम वो भी करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं फॉर्मूला कुछ यूज करती हूँ हमारे एमएस वर्ड में, उसमें हम लिखते हैं और आप कहीं से भी ले सकते हैं, नेट से उठा लें, अपने किसी भी फाइल डमी फाइल से उठा लें। तो मुझे चाहिए 6-7 पैराग्राफ, मैं इसको लिख के इंटर करती हूँ। ये देखें अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये कॉपी किया
और इसको करते हैं पेस्ट हमारे ब्राउजर में, सेव करते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। एग्जैक्टली ये देखें हमारा पैराग्राफ जो हमने कॉपी किया वो सारा शो हो रहा है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है। इसको अगर हम जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ पैराग्राफ के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं जिसको पैराग्राफ टैग कहते हैं, वो हम पैरा के ओपन में लगाएंगे। ये तो उसके लिए हमने पैराग्राफ टैग ओपन करते हैं, पैराग्राफ टैग को मैं करती हूँ क्लोज। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो मैं इसको करती हूँ पैराग्राफ टैग क्लोज टैग स्लैश पी। दिस इज आल्सो अ पेयर टैग, रिमेम्बर दिस। जी तो देखते हैं हमारा पैराग्राफ। जी अब हमें इसको जस्टिफाई करने के लिए पैराग्राफ टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यूज करेंगे। इसके लिए हम लिखते हैं अलाइन जस्टिफाई। इसको हम देखते हैं। जी तो बिल्कुल देखें जैसे ही मैंने अलाइन जस्टिफाई किया तो हमारे सारा जो पैराग्राफ था वो जस्टिफाई हो गया। जो हमारी आगे पीछे लाइन जा रही थी, कुछ लाइन छोटी थी कोई बड़ी थी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक पैराग्राफ में क्लोज हो रही है और हमारा परफेक्टली पैराग्राफ हो रहा है शो। अगर हम इमेज को चेंज करना चाहते हैं राइट टू लेफ्ट तो हम यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट दे देंगे राइट। देखते हैं लेफ्ट, ये देखें पहले हमारा लेफ्ट था और अब ये राइट में चला गया। अगर हम इसको लिखते हैं सेंटर, लेफ्ट राइट तो हो गया सेंटर, सेव करती हूँ। जी तो ये देखिए ये सेंटर में नहीं होगा बल्कि इफेक्ट होगा हमारी टेक्स्ट पर, क्योंकि जो इमेज टैग है वो सेंटर लाइन को सपोर्ट ही नहीं करता। हम लिख सकते हैं जस्ट राइट या फिर लेफ्ट, उसके लिए मैं लेफ्ट लिख दिया और हमारा टेक्स्ट हो जाएगा परफेक्ट। जी तो नेक्स्ट हम कुछ काम करते हैं। जी गाइस तो हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है वो हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट में था हमारा इमेज, हमने लिखी इमेज में हम लगा सकते हैं जी बॉर्डर। बॉर्डर में रख देती हूँ हमारा 10 पिक्सल। देखते हैं प्रीव्यू क्या हो रहा है। एग्जैक्टली ये देखें हमारी इमेज का एक इतना खूबसूरत सा बॉर्डर लग गया है जो बहुत ही अट्रैक्टिव शो हो रहा है। बॉर्डर का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए HTML से CSS में जाना पड़ेगा, जो हम जल्द ही इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में जरूर स्टार्ट करेंगे। लेकिन HTML कलर को फिलहाल बॉर्डर के कलर को सपोर्ट नहीं करती। तो जी गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको देखिएगा लर्न करिएगा इसकी मजीद प्रैक्टिस करिएगा जितने भी हो सके, और अगर कोई इशू आए तो मुझसे पूछिएगा, आई विल गाइड यू प्रॉपरली। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।